माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक साजिश के तहत फूट डालो शासन करो की नीति के तहत आंध्र प्रदेश की मछली पर रोक लगाए हैं। जुलाई में फिर अक्टूबर में सैंपल लिया गया, उसको कलकत्ता भेजा गया और आंध्र प्रदेश की मछली लोकल मछली सब पर फॉर्मलिन पाया जाता है, इसकी वकालत करके स्वास्थ्य विभाग को अपने गुड फेथ में लेकर कि फॉर्मलिन पाया जाता है यह सबूत लेकर और रोक लगवा दिए, जबकि जिंदा मछली में लोकल यहाँ उपजता है, यहाँ फॉर्मलिन आने का कोई तुक नहीं है। आंध्र प्रदेश की जो मछली ट्रक से उतरता है, ट्रक पर से सैंपल नहीं लिया गया, फुटपाथ पर से सैंपल लिया गया। फुटपाथ पर जो बेचते हैं उनको संसाधन उपलब्ध अगर करा दिया जाता तो यह समस्या नहीं होती, तो सरकार उसको खुदरा विक्रेता को संसाधन उपलब्ध नहीं करा, असक्षम हुए। दूसरी चीज, यह अभी लोकसभा वर्तमान में चुनाव है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सनोपला मुकेश सहनी जी पूरे बिहार के निषाद समाज को गोलबंद किए और माछ भात खाएंगे महागठबंधन को जिताएंगे इसकी शुरुआत किए, इनको राजनीतिक खुराफात सुझा कि सब पूरा बिहार का निषाद तो मुकेश सहनी के साथ हो गया, कैसे हमारे साथ आएंगे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बंद करने के तो रिकॉर्ड हासिल किए हुए हैं, आप देख लीजिए, पहले तो माननीय नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी कर दिए, माननीय नीतीश कुमार जी बालूबंदी कर दिए, शराब बंदी कर दिए, अब ये इसके बाद मछली बंदी की बात कर दिए, तो बंदी बंदी यानी ये खुद बंद होने वाले हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी घोटाला में बंद होने वाले हैं, इसलिए से बंदी बंदी का ये नाटक कर रहे हैं। और मछली ये बिक्री, देखिए आप ये बात, ये आप समझ लीजिए इन बातों को कि जब जिंदा मछली में फॉर्मलिन पाया गया तो कौन सा ये दो दिन में कौन सा जादू कर दिए, कौन सी जादूगरी कर दिए कि जिंदा मछली से फॉर्मलिन गायब हो गया, पुनः बिक्री शुरू हो गई। पूरा पूरा तथ्य सामने आना चाहिए था, तब बिक्री पर रोक लगाते। और दो आदमी मिल लिए नेता पैदा करने के लिए कि हम निषाद समाज के लिए बहुत बड़ा कल्याण करते हैं, तो माननीय मंत्री मदन सहनी जी जाकर सिर्फ मिल लिए कि ये नेता बनेगा कि निषाद का ये है वोट मांगने के लिए, इसलिए मिल के जिंदा मछली रोक हटा दिए। निदान क्या किए, ये पूरी तरह से निषाद समाज को तोड़ने के लिए पूरे बिहार के निषाद समाज समझ गए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये निषाद समाज को बुर्बक बनाने का काम करते हैं निषाद समाज के लिए, क्योंकि ये तो खुद ये इस बार समाप्त होने वाले हैं, स्वाहा होने वाले हैं, क्योंकि डिबिया जब बुताने लगता है तो भूख भुकाता है, तो इनकी सरकार जाने वाली है तो ये भूख भुका रहे हैं कुछ कुछ, क्योंकि पूरे बिहार में निषाद समाज सबसे ज़्यादा है, लाइन में लगने वाला वोटर यही है, तो ये भूख भुकाने यही निषाद समाज इनको डुबाने का काम करेगा, इसीलिए इनके साथ ऐसा कर रहे हैं कि यही निषाद समाज से हम स्वाहा होंगे, इसलिए निषाद समाज पर ऐसा करामात कर रहे हैं।